how's lockdown going? What all things you're doing? I suppose you're alone at home, right? Your family is not with you. So, you know, kitna mushkil ho jata hai akele survive karna, especially in lockdown. Yeah, so honestly speaking, abhi tak I think pichle 2-2.5 mahina mein काफी कुछ सीख लिया है. आई मीन स्लोली एंड स्टेडीली. आई मीन यू ऑब्वियसली बिकॉज़ यू नो कि आपको घर के काम करने हैं और देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो यू काइंड ऑफ पिक इट अप एंड यू स्टार्ट डूइंग इट विद द फैक्ट दैट और कोई नहीं करेगा, सो यू हैव टू डू इट एंड इट काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ लाइक इट मेक्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. तो मेरे को उस बात की बहुत खुशी है कि चलते हुए इस लॉकडाउन के चलते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है घर के कामों में, जो कि मैंने पहले किया हुआ था, बट नेवर एज कि भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे रोज करना है और मतलब साफ रखना है और खाना बनाना है और मतलब सब कुछ अपना पर्सनल स्टफ भी. तो बहुत चीज़ें होती है यू नो लाइक स्पेशली नाउ व्हेन यू हैव टू डू योर ओन वर्कआउट, यू हैव टू, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटीज आउटसाइड, यू नो जो है घर पे ही करना है, यू नो, सो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दैट. यू वांट टू लाइक आई वांट टू डू दीस लाइव सेशंस, आई वांट टू यू नो learn how to play, I mean, better my guitaring skills, better my singing skills, better my Spanish skills. बहुत कुछ है करने के लिए, पढ़ने के लिए books हैं, audio books हैं, इतने सारे shows हैं, मतलब there's no end to what all you can do at home. So it's fine. Only thing is कि घर वालों को yes of course you, I mean I wish I could have been with them and done all this over there, पर जो होना था वो हो गया. I mean hopefully I'll be able to go back home soon. एंड वो एक थोड़ा सा पैरानॉइड भी हो जाते हो आप, क्योंकि फैमिली वहाँ पर है, यू आर नॉट विथ योर पेरेंट्स एंड यू आर अलोन, तो वो भी फिकर कर रहे होंगे, यू नो हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली विद दिस पैंडेमिक यू नो और भी ज्यादा मतलब ख्याल आते हैं दिमाग में. सो किस तरीके का उससे डील कर रहे हो आप? आई मीन फॉर्चुनेटली माय मम इज कांस्टेंटली इन टच विद मी. मैं उनको मतलब दिन में कितनी बार तो हमारी बातें होती है, खाना वाना बनाता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज विद मी. Like it's okay. Like she's literally there. तो उनसे ही सीखा है मैंने जो भी सीखा है. कभी दोस्त को भी फोन करके पूछ लेता हूँ यार कोई मुझे नई रेसिपी बता दो यार, whatever you have been making and there's online stuff also. But yeah, I mean my mom is extremely connected with me. So is my dad, but mom से ज़्यादा बात होती है. And my sister and her kids are also in fact ये lockdown के दौरान उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बातें होती हैं, because they have discovered the house call. जो वीडियो चैटिंग है ना, तो पता भी नहीं होता कब उनके साथ कनेक्टेड होता हूँ कॉल पे और वो पीछे से लगा होता है, हम बोल रहा होता है. सो इनफैक्ट एवरी इवनिंग ही हैड दिस थिंग, बीच में इतना था कि वो दिन में हर 2 मिनट पे फोन कर देगा, एंड ऑफ कोर्स यू आर डूइंग थिंग्स यू नो, सो आई हैड टू लिटरली टेल हिम वरदान आई विल कॉल यू बैक, यू नो. बट इट्स सो स्वीट ना, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग ये सब टाइम नहीं मिलता, ये मौके नहीं मिलते. एग्जैक्टली, सो एब्सोल्युटली. एंड देन sisters there, my niece is there, nephew is there, dad is there, mom is there, bua is there, everybody is there on that one call, you know. So chahe wo 5 minute ka bhi call ho, usse at least the family is together, which was very rare. I mean jab main aa raha hu Delhi ya fir kuch occasion hai to sab saath mein aate hain, otherwise you know it's one on one communication. So it's, I mean these things are new. Coming to your traveling part, as we had discussed last time, you love traveling and you also have this passion for photography. So how did that happen? Or kaun kaun si jagahon par abhi aap ab tak aap travel kar chuke? I mean bahut sare hain, but talk about that. It all started back in 2007. So ye tha waqt jab main advertising mein kaam kar raha tha Delhi mein, O&M, and I had a full time job, 3 saal ho gaye the, but मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आई वेयर आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर विद दिस शो कॉल्ड AXN अमेजिंग रेस, और मैं इंडिया की तरफ से सिलेक्ट हुआ था एक दोस्त के साथ, एंड हम लोग जाने वाले थे. तो मैंने अपना जॉब वॉब छोड़ दिया और पासपोर्ट सब दिया था, उसकी प्रिपरेशन में मैं लग गया कि भाई 40 दिन जाना है, नो मनी नो फोन नथिंग, एंड वहीं पर टास्क मिलेगा, आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना ऐसे करके. एंड देन लास्ट मिनट जाने से पहले हमें फ़ोन आया कि भाई आपके पासपोर्ट में आपको वीज़ा नहीं मिले हैं 10 कंट्री से, हमको 10 कंट्री चाहिए थे, आपके हम बस 6 ही ला सके, बिकॉज इंडियन पासपोर्ट में इतना टाइम लगता है हमको पता ही नहीं था. एंड उनको वैसे भी इंडियन पासपोर्ट को सब जगह के वीज़ा चाहिए. सो एनी वे आई डेंट गो देयर, एंड दैट लेट मी टू टेक अ ट्रिप टू स्पिति वैली विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, एंड वहाँ पे एक सोनी एरिक्सन फ़ोन लेके गया और एक पॉइंट एंड शूट. बट सोनी एरिक्सन से ही मैंने जितनी फोटोज खींची ना, मतलब दिल से जो भी हो रहा था,
it was really nice. And then coming back, I had a friend in Delhi, Rockford friend, who I showed my pictures to, SE, kabhi uske studio pe baitha tha. And he was really impressed and he really encouraged me to like, you know, said that you have an eye for photography, you should take it forward. And he was really kind enough ki usne mujhe ek apna dusra wala camera diya, SLR 30D. And he said, iske saath try kar, dekh kaisa lagta hai dekho. And I did it and there was no stopping back. Uske 6 mahine baad maine apna camera le liya and I also moved to Bombay. And उसके बाद जितनी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई ट्रैवल करने की और जितनी अपॉर्चुनिटीज मैंने खुद बनाई हैं, I have taken my camera, my lenses, my tripod, and I've just, you know, because I love being in nature, I'm a very outdoor person, I've been for treks, बचपन से ही मैं बहुत treks पे भी गया हूँ, तो वो मतलब somehow अंदर है, and my dad also has, you know, made us travel when we were younger, तो वो शौक बढ़ते रहा और ये फोटोग्राफी का भी शौक उसमें ज्वाइन हो गया. And so yeah, I mean there's been no looking back. I've always, I mean since then, main bahut sare online tutorials karta hu. I mean I look at my own work and then you kind of get better. You start editing also, you get better at editing, you know. So dheere dheere karte ab to matlab 10-12 saal ho gaye since I've been shooting. So I've covered like matlab maine kaafi countries travel kari hai fortunately, and there are a lot of more countries that I want to go. Norway, Sweden, Finland, the Scandinavian countries are one of my favorite that I've been to. Then you said Japan is one place that I really 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 love, and main janta hu ki main wahan wapas bahut bahut baar jaunga because wahan itni cheeze hai explore karne ke liye. So I mean aise bahut hai, I mean Thailand also is a place I've been many times, kaam ke liye aur waise bhi, and wahan bahut islands hai jo explore kar sakte hain. It's a very budget friendly good holiday destination, you know, but my camera is like my sure shot. Main camera ke bina kahin nahi jata travel. Companion. Yeah, your ultimate companion. Yeah, and full passion, you know. So I've actually forgotten to eat on many occasions while I'm shooting, you know, because especially sunset ke time main pagal ho jata hu, like literally mere sath jo bhi hota hai, you know, whoever I've traveled with, they know ke yaar do teen ghante hain ki ye matlab ये और किसी की सुनेगा भी नहीं, कोई मेरे से बात भी कर रहा होगा ना, मैं हाँ हाँ करते रहूँगा, बिकॉज़ मैं सो आई एम सो इंग्रॉस्ड इन व्हाट आई एम डूइंग एंड वेयर टू गेट द राइट शॉट, एंड मेरा टाइम लैप्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अब तो गोप्रो भी आ गया मेरे इक्विपमेंट में, सो उसके साथ भी शॉट्स लेने हैं, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन फॉर मी. एंड यू लाइक इन्वेस्टिंग ऑन ऑल दीस यू नो गैजेट्स, खासकर जो आई मीन फोटोग्राफी का शौक तो फॉर्चुनेटली जैसे कैनन, जैसे मेरे पास 5D मार्क 2 है, वो मेरे को हो गए उसको लिए हुए वही 12 साल 2007 नहीं 13 साल, एंड दे आर सच सॉलिड मशीन्स, आई मीन टच वुड 13 साल में वो कभी, अभी रिसेंटली एक उसका शटर खराब हुआ था तो मैंने ठीक कराया, बट 13 इयर्स आई हैव हैड दैट, यू नो, एंड इट इज अमेजिंग कैमरा, इट जस्ट वर्क्स ब्यूटीफुली वेल. आई मीन ऑफ कोर्स नाउ आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रिसर्चिंग फॉर अ न्यू मिररलेस कैमरा, बिकॉज थोड़ा भारी हो जाता है लेंसेज वगैरह के साथ, पर वो बहुत आई मीन वो धीरे धीरे करके मैंने पहले ये कैमरा लिया, एक लेंस लिया, फिर उसके बाद एक दो सालों के बाद जब मेरे को पहली बार एक्चुअली वंस आई गॉट पेड फॉर माय फोटोग्राफी, आई डिड सम पेड जॉब्स आल्सो, तो मैंने वो जो भी पैसा मिला मैंने और लेंसेज ले लिए जाके, सो इट वाज बेसिकली ग्रेजुअली आई इन्वेस्टेड इन इट, एंड टच वुड ऑल दीज थिंग्स लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम. सो या एज एन एक्टर, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग व्हाट आर योर लिमिटेशंस, because you shared with me that you want to work on, you know, web shows, digital mein jis tarah ka content ban raha hai, you are very keen on doing them, but digital ka ek ye part bhi hai that they rely more on, you know, love making and sex scenes. How comfortable are you as an actor, kyunki kuch platform to like usi pe jee rahe hain. Correct. I don't have a problem as such ki bhi aisa main nahi karunga. But otherwise, I mean, if it's required, all good. Yeah, having said that, मतलब अगर कभी मुझे लगेगा कि यार, जैसे मैंने कई बार सोचा है, एक दो बार मैंने ऑडिशन में किया था, आई प्लेड अ गे कैरेक्टर ऑल्सो, तो वहाँ पे था कि भी अगर फिजिकल गे के मतलब आदमी के साथ हो तो शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है मेरे लिए, पर अगर वो भी बहुत ही जरूरी है, कोई बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छा वो है filmmaker, yeah, and if it's really really important for the screenplay,
मतलब कर लूंगा बिकॉज इट्स अ जॉब यू नो एंड ऑफ द डे मैं आई एम बीइंग पेड टू डू दिस तो मैं मना क्यों करूँ आई मीन इट विल बी रियली स्टूपिड फॉर समबडी टू से नो एंड दुनिया में बहुत कैरेक्टर्स हैं दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत सारी चीजें करती हैं करते हैं सही या गलत तो हम लोग जज नहीं कर सकते एज एक्टर्स बिकॉज वी कैन बी एनी ऑफ देम राइट आई मीन ये मैं तुलना नहीं कर रहा इट्स अ कैरेक्टर इट्स अ कैरेक्टर या सो आई एम ओके आई मीन आई एम हैप्पी टू डू इट एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग विद द राइट पीपल एंड गुड पीपल एंड वर्किंग ऑन अ गुड प्रोजेक्ट एंड दे प्रेजेंट यू इन अ गुड वे या करेक्ट यू नो नॉट अ शेडी हाँ मतलब वो ब्लू फिल्म नहीं करनी है मुझे या